हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। द टॉपिक इज राइट रीड प्रॉब्लम, या राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको स्टैंडर्ड नेम जो है वो है डर्टी रीड प्रॉब्लम। राइट रीड का मतलब है कि अगर राइट के बाद कोई ट्रांजेक्शन रीड कर रही है, तो अगर नॉर्मल सिनेरियो में देखा जाए तो क्या कोई ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे अगर कोई बंदा राइट कर रहा है डेटाबेस में, कुछ चेंज कर रहा है, क्या उसी टाइम पे कोई और बंदा रीड नहीं कर सकता? कर सकता है, ऑब्वियस ही बात है। पैरेलल जब हम मोड को यूज करते हैं, पैरेलल मोड का मतलब क्या है, जब हम ऑनलाइन सिस्टम्स को यूज करते हैं, जैसे हम इंडियन रेलवेज का सिस्टम यूज करते हैं, तो वहां पे जब हम ट्रेन्स को रिजर्व करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं एक ट्रेन को रिजर्व करवाना चाहता हूं, मतलब एक ट्रेन के अंदर कोई सीट रिजर्व करवाना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले लेट्स से चेक कर रहा हूं कि ट्रेन की अवेलेबिलिटी क्या है। आपको क्या लगता है, जब आप ट्रेन की अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हो, ट्रेन के अंदर सीट की अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हो, उसी टाइम पे पूरे इंडिया में या इंडिया से बाहर भी कोई और बंदा नहीं हो सकता जो उसी ट्रेन को उसी दिन में कोई पर्टिकुलर सीट को बुक कर रहा हो? हो सकता है, क्योंकि हम तो अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना। तो अगर कोई पर्सन राइट कर रहा है उसी टाइम पे कोई बंदा रीड कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है, बट कई स्पेशल केसेस हैं जहां पे ये प्रॉब्लम बन जाती है, जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों अकर होता है और क्या केस है, वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो यहां पे मैंने दो ट्रांजेक्शन ली है, T1 एंड T2। इसको मैं एक शेड्यूल बोल सकता हूं, बिकॉज शेड्यूल इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, और वो बताता है कि ट्रांजेक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो एक शेड्यूल है S, उसमें दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। तो T1 अगर स्टार्ट हो रही है, पहले T1 स्टार्ट हुई, T1 ने किया रीड ऑफ A। लेट्स से A वैल्यू इन द डेटाबेस इज 70, तो रीड कहां से करेगी? ऑब्वियसली रीड इनिशियल कहां से होगा, डेटाबेस से। तो A ने रीड किया 70, A is equal to A minus 50, arithmetic operation perform कर रहे हैं, तो 70 minus 50, the value is 20, write किया, तो write करते ही मेरी value क्या हो गई, 20 update हो गई। जैसे ही ये 20 value update हुई, let's say यहाँ पे system मेरा preempt हो गया, preempt का मतलब क्या है, switch हो गया, क्योंकि parallel mode की बात करें, तो बीच में कोई और transaction भी start हो सकती है। तो जैसे ही मैंने T2 को स्टार्ट किया, T1 ने क्या किया, रीड ऑफ A। तो T1 क्या रीड करेगा, डेटाबेस से तो रीड कर नहीं सकता, क्योंकि डेटाबेस में हमने वैल्यू क्या अपडेट कर दी, 20। यहां पे मेरी वैल्यू क्या हो गई, अब अपडेट 20। तो इसने रीड क्या करनी है, वैल्यू 20, बिकॉज ये तो वही रीड करेगा जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन ने अपडेट किया। तो इसने अपडेट क्या किया था, 20, तो इसने रीड किया 20। अब A इज इक्वल टू A इंटू 2, मतलब A की वैल्यू को क्या कर दिया, 40। राइट ऑफ A, राइट ऑफ A मतलब वैल्यू क्या होगी मेरी, 40। और जैसे ही मैं यहां पे कमिट करता हूं, अगर कमिट करते ही मेरी वैल्यू जो है वो डेटाबेस में भी अपडेट हो गई 40। तो डेटाबेस में वैल्यू क्या होगी, अपडेट 40। लेट से कि ये ट्रांजेक्शन जो अभी चल रही थी, ये ट्रांजेक्शन रीड ऑफ B किया और यहां पर यह ट्रांजेक्शन फेल हो गई। इस कमिट के बाद इस पॉइंट पे, क्योंकि टाइम जो है वो मेरा इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो इस टाइम पे जब वो ट्रांजेक्शन रीड कर रही थी, वो क्या हो गई, फेल हो गई। फेल क्यों होती है, हार्डवेयर फेल हो गया, लेट्स सी हार्ड डिस्क फेल हो गई, पावर फेलियर हो गया, इंटरनेट लॉस हो गया, वट एवर द रीजन, ये ट्रांजेक्शन फेल हो गई। अगर ये ट्रांजेक्शन फेल होती है, तो ट्रांजेक्शन फेल होने का मतलब है ट्रांजेक्शन को रोल बैक करेंगे। So, जैसी ट्रांजेक्शन रोल बैक होगी, रोल बैक का मतलब क्या है, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, या तो पूरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी या इसका कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मुझे इस ट्रांजेक्शन को बिल्कुल अंडू करना है। जैसे ही मैंने इस ट्रांजेक्शन को अंडू किया, तो डेटाबेस बोलेगा इसने क्या चेंज किया था, 70 को 20 में चेंज किया था, उस 20 की वैल्यू अब खत्म होगी, मतलब अब 20 कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो डेटाबेस दोबारा 70 में कन्वर्ट हो जाएगा और 20 की कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन ही रोल बैक होगी। तो आप मान के चलो ये ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, लेकिन अगर आप इधर देखो T2 को, T2 ने ऑपरेशन जो परफॉर्म किया A इज इक्वल टू A इंटू 2, ये किस वैल्यू पे परफॉर्म किया,
20 पे, ये 20 कहां है? अब आप कह सकते हो कि ये 20 T1 ने किया था, नहीं, because T1 जो वैल्यू चेंज की थी वो T1 तो खुद रोल बैक हो गया, तो ये वैल्यू की कोई भी यहां पे क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। तो यानी यहां पे ये जो जिस डेटा पे काम कर रहा है वो रॉन्ग डेटा है, जिसको हम बोल सकते हैं डर्टी रीड। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली डर्टी रीड कि इसने गलत वैल्यू को रीड किया। ऑल्दो इसने गलत वैल्यू को रीड नहीं किया था, इसने तो सही वैल्यू रीड की, लेकिन ये ट्रांजेक्शन ही फेल हो गई। जिस ट्रांजेक्शन से अगर हम देखा जाए, जिस ट्रांजेक्शन से हम रीड कर रहे हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाती है प्रॉपर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं रीड कर रहा हूं किसी बंदे से और वो बंदा, मतलब लेट से अगर सिंपल से एग्जांपल देखें, मैं पेपर देने जा रहा हूं और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं आता, और मैं एक बंदे के ऊपर डिपेंड हूं कि अगर वो बंदा मेरे को करवाएगा, जो वो लिखेगा वही मैं लिखूंगा, तो जो उसने लिखा वही मैंने लिखा एज इट इज चीटिंग करके, अगर वो बंदा फेल हो गया तो ऑब्वियस ही बात है मैं भी फेल होऊंगा उस केस में। अगर वो बंदा फेल हो गया और मैं पास हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी, वो तो रोला पाएगा कि यार मैं तो फेल हो गया, ये बंदा कैसे पास हो गया, इसने तो मेरे से ही चीटिंग की थी। तो वही केस यहां है, इसकी जो वैल्यू है 20, ये 20 कहां है? है ही नहीं कहीं पे, बिकॉज ये तो फेल हो गई, तो इस 20 की कोई वैलिडिटी नहीं है, इसको बोलते हैं हम डर्टी रीड प्रॉब्लम। और ये अक्सर कई बार IRCTC में अगर आप देखो, जैसे अगर मैं सीट रिजर्व करवा रहा हूं, पहले मैं आया, मैंने पहले सीट रिजर्व करवाई, लेट से 2 सीट सी, मैंने दोनों को रिजर्व करवाने लग गया, जैसे ही मैंने दोनों को रिजर्व करवा रहा हूं इसी टाइम पे एक और बंदा आ गया, उसने जब रीड किया उसको क्या दिखा? 0, क्योंकि वो 2 की 2 मैं रिजर्व करवा चुका हूं, मतलब मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी मैं पेमेंट कर रहा हूं। जैसे T2 आया, T2 को दिखी 0, मतलब कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मेरी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो ऑब्वियस ही बात है 2 सीट्स अवेलेबल हो गई, लेकिन वो बंदा तो 0 वैल्यू पे काम कर गया ना, क्योंकि उसको तो क्या दिखेंगी वैल्यू? 0। लेकिन रियल टाइम में सिनेरियो जो होता है वो कुछ और होता है, एज इट इज ये नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, IRCTC क्या करता है, उस बंदे की टिकट सबसे पहले कन्फर्म करेगा, क्योंकि उसकी वेटिंग सबसे पहले है। तो वेटिंग हो सकता है कई बार इसी वजह से, कई बार वेटिंग ट्रेन जो डेट ऑफ जर्नी है उससे पहले ही कई बार वेटिंग जो है वो हमारी क्लियर हो जाती है। उसका रीजन यही है कि किसी की ट्रांजेक्शन्स फेल हो जाती हैं, या किसी ने ट्रांजेक्शन को अपना, लेट से मैंने ट्रांजेक्शन की लेकिन मुझे पता लग गया कि मैं उस दिन नहीं जा रहा, मेरा प्लान कैंसिल हो गया, तो मैंने अपनी टिकट को कैंसिल करवा दिया, तो वो प्लस हो जाती है टिकट्स। जैसे नंबर ऑफ सीट्स प्लस हो जाएंगी तो वेटिंग के हिसाब से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि इस राइट के बाद रीड आया और ये राइट वाली ट्रांजेक्शन आगे जाके फेल हो गई। अगर आप इसको फेल नहीं करते तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फेल कर देते हो तो ये गलत वैल्यू पे काम कर रही है, जिसको हम डर्टी रीड बोलते हैं। एक्चुअल में ये स्पेशल केस है जो बनाया है कि हम क्यों बोलते हैं कि राइट और रीड आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। सो दिस इज द रीजन, ये सीरियलाइजेबिलिटी के केस में काफी यूज होगा कॉन्सेप्ट, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू।